एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिवर कृति। आज का वीडियो हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका किसी भी तरह का हो सकता है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और तरह के एग्जाम की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट वन इज, जब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम की तैयारी कम टाइम में करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि यार कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है और उस एग्जाम के कम टाइम में यू नीड टू प्रिपेयर। और फर्स्ट थिंग, जब कम टाइम की बारी आती है, दैट इज स्ट्रैटेजी। अनटिल अनलेस यू हैव अ स्ट्रैटेजी यू कैन डू इट वेरी वेल। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी टाइम टेबल। आपके पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होनी चाहिए टाइम टेबल। आपके पास एक बार टाइम टेबल आ गया, आप ये नोटिस कर पाओगे कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो, काम कहाँ पे नहीं कर रहे हो। ये हम सभी जानते हैं कि जितनी तेज़ी से हम अपनी स्टार्टिंग शुरू करते हैं उतनी ही तेज़ी से हम अपनी एंडिंग नहीं कर पाते, और अगर एंडिंग भी आप उतनी तेज़ी से कर लेते हैं तो बीच में जो हमारा स्पीड रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि फर्स्ट आपको अपना मंथली गोल बनाना है। प्लीज़ पिक अप कैलेंडर राइट नाउ, मंथली गोल, प्लानिंग गोल, एंड देन सी दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। आखिर अपना आप पूरा एक साल एक क्लास में पढ़ने के लिए क्यों लगा दे? आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 9th के हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, वाई वी गिव आर होल वन ईयर? क्योंकि वो एक साल इम्पॉर्टेंट होता है उस पूरे सिलेबस और उस पूरे नॉलेज को कवर अप करने में, तो फिर इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कम्प्लीट किया जाए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कम कैसे टाइम में कर सकते हैं? जब हम बात कर रहे हैं कम टाइम में तो हम जो है हार्ड वर्क नहीं करेंगे। एक बच्चा जो स्टार्टिंग से पढ़ता है उसको कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल वो देख लेना। ये बातें केवल तभी बोली जाती है जब एग्जाम का टाइम पास में हो एंड यू वॉन्ट टू स्कोर वेल, उसको आप बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एंड एट दिस टाइम यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करके ये देखना है कि आप कौन से चैप्टर्स कब करोगे और कितने टाइम के लिए करोगे। फर्स्ट डिसाइड द चैप्टर्स, हाउ मच आवर्स यू आर गोइंग टू गिव। चैप्टर को पढ़ने का और चैप्टर कितने टाइम में कंप्लीट किया जाए कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। कुछ भी अनरियलिस्टिकली मत करना, ठोक दिया यार एक दिन में मैं एक चैप्टर कर लूंगा, दो दिन में मैं एक चैप्टर कर लूंगा, अरे ये वाला चैप्टर दो घंटे में हो जाएगा। अगर देखोगे रियलिस्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू डिसाइड द टाइम ऑल्सो। आपको पता है कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स का चैप्टर है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ जिसने किताबें ही अभी उठाई हैं कि यार मैं तो अभी कर लूंगा। नो, फॉर दिस यू नीड टू डू योर वर्क, फॉर दिस यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन टू दिस, क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और पढ़ना भी है और डिफिकल्ट भी है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। तो अल्टीमेटली आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, जब मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, मेरा मतलब ये है कि आपको लास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं। एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, आपने स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के बाद आप लास्ट ईयर पेपर गए, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर ही तो बताएंगे आपको कि आपका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते और पूरा चैप्टर पढ़ने की एडवाइस मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। एंड इफ आई नो दैट कि दैट चैप्टर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आर, लास्ट टाइम पे चैप्टर्स पे फोकस नहीं, टॉपिक्स पे फोकस करो। फोर्थ थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट फॉर डूइंग योर वेल इन टू योर एग्जामिनेशन, स्लीपिंग शेड्यूल। साइंटिस्ट्स के हिसाब से और डॉक्टर्स के हिसाब से ये बिलीव है कि 6 से 7 घंटे नींद की ज़रूरत होती है, बट मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। हाँ, मानते हूँ कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है और सभी का अपना अपना बॉडी टाइप होता है, सभी की अपनी अपनी बायोलॉजिकल साइकिल होती है जो वर्क करती है। फॉर मी 6 से 7 घंटे ज़रूरी नहीं है, और ये बात मैं कई सारे वीडियोज़ में कह चुकी हूँ। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़, इफ़ यू थिंक दैट योर बॉडी रिक्वायर्स इनफ स्लीप, अदरवाइज आप अच्छा और प्रोडक्टिव परफॉर्म नहीं करते हो, तो प्लीज़ टेक प्रॉपर स्लीप एंड देन डू योर वर्क। रात की नींद कोशिश किया करो कि स्किप ना करो, क्योंकि रात की नींद हमेशा रात की नींद ही होती है। आप अगर रात को सही से नहीं सोते हो तो हम दिन में 10 घंटे भी सो लेंगे ना, स्टिल यू विल फील दैट क्या सर भारी हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट
अगर आप रात की नींद लो तो सबसे बढ़िया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रात को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो एक काम कीजिए, 2 बजे तक पढ़िए एंड 2 के बाद जो है वो सोने का प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि 2 बजे के बाद जो आपका एनर्जी लेवल जाता है ना तो बहुत डाउन जाता है। सो फार बेटर यू टेक स्लीप आफ्टर 2। अदरवाइज ये भी अच्छा आइडिया है कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। लास्ट थिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर और वी नीड टू टॉक अबाउट इज, हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की सारी बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, मतलब ये है कि आपको अपने आप को रिलैक्स फील करना है और रिलैक्स फील करने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको लिटरली रिलैक्स बनाए। डू नॉट यूज योर फोन, आई नो दैट दिस मेक्स यू रिलैक्सिंग बट कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन भी करता है। हम पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, कहां ही ऐसा है कि आप चाह के भी इन चीज़ों से अलग नहीं हो सकते। तो टेक अ फ्रेश एयर, बाहर जाओ, पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, थोड़ा सा अपने टाइम के हिसाब से सोशलाइज हो। सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अपना कोई फेवरेट वर्क करें, जैसे कि कुकिंग करना हो गया, आपको डांस करना अच्छा लगता है तो थोड़ी देर के लिए आपने डांस कर लिया, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है थोड़ी देर के लिए गाने सुन लिए, बट डू समथिंग दैट कैन रिलीव यू फ्रॉम योर स्ट्रेस। विथ योर स्ट्रेस यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, यू कैन नॉट परफॉर्म प्रोडक्टिव इन टू योर एग्जामिनेशन। दीज आर द टिप्स दैट यू नीड टू डू एंड लेट मी रिपीट ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। फर्स्ट यू नीड अ प्रॉपर स्टडी प्लान, आफ्टर हैविंग अ स्टडी प्लान आपको अपना पूरा का पूरा शेड्यूल एंड प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपका फोर्थ था कि आप अपनी स्लीपिंग शेड्यूल सही करेंगे एंड लास्ट वाज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट पढ़ाई करते वक्त क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, फोकस नहीं करने देती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है, एंड वॉट मोर यू वॉन्ट ऑन टू दिस चैनल सो दैट वी विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोज जो आपके सवालों का जवाब दे। Share this video with your friends and classmates who are preparing for their examination and want to prepare in a short term with productive thing. Milenge hamare agle video mein. Until then, bye.